एज रिलेशन, एज रिलेशन मतलब आयु पढ़ेंगे, ठीक है। आयु में क्या पढ़ेंगे, तो अपन नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात ना है जी, 4:3 है और इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, एक बार आप भी रीड करिए। देखिए क्या दिया है, नम्रता और दिव्या की उम्र दिया है, तो नम्रता और दिव्या लिखेंगे। कितना दिया है, 4:3 दिया है। इनकी आयु का योग कितना दिया, 78 दिया है, 28 दिया है, तो 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4+3 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो करेंट में 4 × 16 हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 4 × 12, अब 4 वर्ष बाद हो रहा है 20 16 हो जाएगा, तो 4 × 5 = 4 हो जाएगा, तो 5/4 कहीं पे दिया हुआ है क्या जी आंसर, अब सेकंड नहीं दिया है, ठीक है। राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 एवं राम और अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है और इनकी उम्रों का योग 69 है, तो इनकी राम की उम्र याद कीजिए। देखिए क्या दिया है, राम मोहन और अनिल तीन आदमी दिए हैं, इनकी उम्र 4:5 और फिर क्या है राम और अनिल, तो मोहन तो इस तरह, मोहन राम और अनिल, तो पहले में क्या दिया राम और मोहन दिया है, तो मोहन 5 लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या दिया राम और अनिल, तो राम और अनिल हो जाएगा, तो 5:6 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाए, तो 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, 5 × 20 और 6 × 24, ठीक है। अब तीनों को ऐड करके देखो एक बार, 25, 20 और 24, तो 9 और 6 69 तो हो ही रहे हैं हमारा, 69 आंसर भी दिया है, तो अपने को किसका आयु पूछा है, राम की उम्र पूछा है, तो राम की उम्र क्या हो जाएगी जी, 20 वर्ष, क्या आ जाएगा आंसर, सेकंड सही हो जाएगा तब अपना, ठीक है। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, 10 वर्ष पूर्व दिव्या की उम्र, दिव्या और नम्रता, दिव्या की उम्र 2 थी तो इसकी उम्र 1 थी, ठीक है। अब कब थी, तो 10 वर्ष पूर्व थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या थी, तो अपने क्या 10 वर्ष पहले था इतना 2:1, तो क्या हो जाएगा जी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए दोनों से, तो 4 × 2 = 8 और 3 × 1 = 3, तो -3, तो कितना आ जाएगा, 5, और 10 वर्ष पहले देखना है अपने को, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा जी, 10 × 20 और 10 × 10, तो इसमें माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो 3 × 6, दस आ रहा है ना अपना यहाँ पे, ठीक है। 10 वर्ष पहले बोला है, एट और ये हो जाएगा 5, ठीक है, इसमें 3 × 5 हो जाएगा, फिर अपने को 10 वर्ष, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 1 = 2 आ जाएगा, तो 10 × 3 =
देखिए तभी क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, चार वर्ष हो जाएगा, तो 10 वर्ष आ रहे हैं ना अपना, एक 10 वर्ष आ रहे हैं, तो 10 या 30, तो 30 वर्ष नहीं हो जाएगा जी? दोनों की वर्तमान आयु उम्र का योग, दोनों की वर्तमान आयु की उम्र का योग। अब 3 दूनी 6, देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 और 10 दूनी 20 22, तो 26 वर्ष, 26 वर्ष आना चाहिए। तो अपना आंसर क्या करेक्ट आ जाएगा जी? बी करेक्ट नहीं आ जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के अनुपात 4:1 है। ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, ठीक है, 4:1 है, और इनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं, 4 × 1, और इसमें एक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो 196, तो एक कितना हो गया, 4 × 1 = 4, तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो x² = कितना आ जाएगा जी, 4 × 16, हाथ लाई 3 निया हो जाएगा, तो x = कितना, 7 निया आ जाएगा जी। ठीक है, तो अब इनकी 5 वर्ष बाद इनकी आयु ज्ञात कीजिए, मिला है। तो पहले तो अपने को इनकी आयु याद करना, 7 × 28 और 7 × 1 = 7, अब 5 जोड़ देंगे तो इतना 33 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 7 × 5 = 12 और 7 × 28, तो देखिए यहाँ से क्या कटेगा, फिर 3 × 3 और 3 × 3 और 3 × 12, ठीक है, तो अपना आंसर यही होना चाहिए, 5 की जगह 4 आएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ना जी। इस समय अशोक की आयु और प्रदीप की आयु 4:3 है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती है। देखिए अपने को क्या करना है, प्रेजेंट से चालू करना है, तो देखिए इस समय अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु, ये क्या है, अशोक है, ये प्रदीप है, तो अशोक की आयु 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाती है। तो 6 वर्ष पहले ये 20 वर्ष अगर रहा होगा, तो इसमें देखिए 5 × 5 = 20 होगा, तो ये कितना, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, मतलब पिता और पुत्र जो है 4 गुना है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र और पुत्र की उम्र की 9 गुना था, तो इसमें डिफरेंस देखेंगे तो कितना, 4 − 9 = 5 आ जाएगा, और कितना वर्ष पहले बोल रहे हैं, 5 वर्ष पहले, तो इसमें डिफरेंस देखेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 × 8 = 8, 5 = 40, तो एक की वैल्यू कितना हो गई, 8 हो गई, तो पिता की वर्तमान उम्र 8 × 32, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा जी, 8 × 4 करेंगे 32 नहीं हो जाएगा जी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु 32, 20 सही हो जाएगा। ठीक है,